अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 24th और डेफिनेटली जो हमारी पिछली 3D वाली क्लास थी उसका आज पार्ट 2 है, लेकिन उसके साथ मैं कुछ और भी बताऊंगा, मतलब सिंबल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सिंबल्स नहीं देखे हैं, सिंबल स्प्रेयर टूल नहीं देखा है, तो आज की क्लास में थोड़ा कुछ ज्यादा होने वाला है, राइट। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। आई डोंट केयर कि मैंने क्या स्क्रीन की इसकी डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन वगैरह लिए, कुछ भी नहीं, डोंट वरी। जस्ट इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं। नाउ सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा सिंबल्स 3D में आने से पहले मैं ये एक छोटी सी चीज आप लोगों को जरूर समझाऊंगा, क्योंकि ये जब तक आप समझेंगे नहीं हमारा 3D वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो व्हाट आर सिंबल्स, ये अगर आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहे सिंबल्स। अदरवाइज आप विंडो में आकर के यहां से सिंबल्स ओपन कर लें, ये रहे, ठीक है जी। तो ये आपका आइकन अगर आप ऑन करें तो यहां से भी आपको ये सिंबल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज मैं इस पैनल को यहां पर ड्रैग करके रख रहा हूं, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है इस वक्त। सिंबल्स में होता क्या है कि आपके पास एक तो कुछ बनी बनाई सी चीजें यहां पर दी हुई हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी भी कुछ चीजें बना के रख सकते हैं इसमें। मिसाल के तौर पर मैं एक स्टार बना रहा हूं और उसमें मैं एक कलर डाल रहा हूं, लेट्स एड सम ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जो है मैं दे रहा हूं उसमें रेडियल, एंड लेट्स से ग्रे कलर लाइट और यहां से ग्रे कलर डार्क, ठीक है जी। इसका स्ट्रोक मैं ऑफ कर रहा हूं एंड लेट्स इट। नाउ ये एक बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सादा सा मैंने एक स्टार बनाया है और इसको मैं सिंबल में डालना चाह रहा हूं, मैंने यहां डाल दिया। अब याद रहे कि ये सिंबल्स हो गए या ब्रशेस हो गए या इस तरह की जितनी भी पैनल्स में आप अपनी चीजें बनाकर डालते हैं ये सिर्फ इसी फाइल के अंदर रहेंगी। अगर मैं न्यू फाइल लेता हूं तो उसके अंदर ये सिंबल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये किस तरह से लाना है हर फाइल में ये टॉपिक अभी का नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे। इकट्ठे सारी चीजों को मैं एक साथ आप लोगों को समझा दूंगा, डोंट वरी। तो अभी उस पर टेंशन ना लें, बस अभी ये दिमाग में रखें कि अगर आप कोई भी चीज बनाकर या सिंबल्स में डालते हैं तो वो सिर्फ उसी फाइल में रहता है। नाउ फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि आप जब चाहें ये स्टार उठा करके यहां रख सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी। और अगर आप लोगों ने एडोबी फ्लैश देखा हो किसी ने तो उसमें भी कुछ इसी तरह से होता है। मैं जल्दी से एक और स्टार बना के डाल रहा हूं, जैसे मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखें यहाँ पर एक तो ये आपसे पूछ रहे हैं नाम इसका सिंबल का नाम, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टार, और ये मूवी क्लिप है या ग्राफिक है। याद रखिएगा ये फ्लैश जो पहले होता था जिसका नाम एडोबी एनिमेट करके हो गया है, ये उसके लिए ज्यादातर यूज होते हैं, बट डोंट वरी हमें उस सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाना है। बस इसको आप डायनेमिक सिंबल रखें, मूवी क्लिप रखें, ग्राफिक रखें, जो रखना है रख लें, कोई मसला नहीं है। अभी हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपने यहां पर रखा, इसका नाम दिया और इसको ओके कर दिया। इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट वगैरह नहीं मूव करना, इनेबल गाइड फॉर 9 स्लाइस स्केलिंग, कुछ नहीं करने की जरूरत है, राइट। इसको बस ओके कर दें और ये यहां पर आपका स्टार मौजूद है। नाउ इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं यहां से ये एक स्टार डिलीट कर रहा हूं। आपके पास यहां पर एक टूल मौजूद है सिंबल स्प्रेयर टूल, और अगर आप इस पे देखें यहां पर ये आपका ये रहा सिंबल स्प्रेयर टूल, ठीक है। स्प्रे पेंट का जो जैसे कैन होता है वो आइकन बना हुआ है इसका। एंड बहरहाल इसका फायदा क्या है कि मैं जो भी सिंबल सेलेक्ट करूंगा मैं सिंपली स्प्रे करके वो अपनी स्क्रीन पर भर सकता हूं, अपने पेज पे, अपने डॉक्यूमेंट पे भर सकता हूं, राइट। ऑलराइट, सो एक तो बड़ा सिंपल सा काम ये है, प्लस ये देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर रहेगा, ठीक है। सो अगर आप इसको छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें तो ये एक साथ सारे के सारे छोटे बड़े होंगे। नाउ बड़ा अजीब से लग रहा है आई नो, इसको जरा अच्छा सा करते हैं। अगर सिंबल स्प्रेयर में आ जाएं तो यहां पर आपके पास दिया हुआ है सिंबल शिफ्टर टूल, और शिफ्टर टूल का काम क्या है कि आप इनको शिफ्ट करके इधर उधर मूव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जब आप स्प्रे कर रहे थे तो उस वक्त इतना ज्यादा आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन हाँ बाद में आपके पास कंट्रोल्स ठीक ठाक दिए हुए हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं।
स्क्रंचर या स्क्रंचर, आई डोंट नो यार इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बट सिंबल स्क्रंचर या स्क्रंचर, स्क्रंचर ही कहेंगे राइट. सो स्क्रंचर टूल जो है उसका काम क्या है कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक आप देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, अगर आप डबल क्लिक करें तो आप इसका डायमीटर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बहरहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको 200 पॉइंट्स है, 200 पॉइंट्स ही रहने दें. और मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ये देखें बहुत छोटा सा टूल है, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन हाँ कुछ बहुत मजे मजे की चीजें बन जाती हैं इसमें. सिंबल साइजर, जहां आप क्लिक करेंगे वहां उस रेडियस में, यानी कि जितना मैं मेरा जो सर्कल डायमीटर आ रहा है ब्रश का या माउस का, उसके अंदर जितने रेंज में आ रहे होंगे वो सब बड़े होना शुरू हो जाएंगे. नाउ इसमें एक मजे की बात यह है कि ये सिर्फ बड़ा नहीं करता, छोटा भी कर सकता है. सो अगर आप ऑल्ट का बटन दबा दें तो ये छोटा करना शुरू कर देगा सबको. ठीक है जी, आई होप यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्पिनर. ऑफकोर्स हम थोड़ा सा स्पिन करना चाह रहे हैं, सो क्लिक करके ड्रैग करें, आप जितना इसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे इतना बदमजा सा अजीब सी चीज मैं क्यों बना रहा हूं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत मजेदार सी चीज है वैसे ये. सिंबल स्टेनर, और कुछ सोच समझ के ही मैंने यहां पर ये ग्रे कलर के स्टार्स बनाए थे. ना ग्रे कलर क्यों लिया था, ग्रे कलर एक बहुत ही न्यूट्रल सा कलर है. अगर मैं बिल्कुल प्योर व्हाइट ले लेता या प्योर ब्लैक ले लेता या कोई और कलर ले लेता तो उसमें मेरा कंट्रोल थोड़ा कम रहता राइट. अब ग्रे कलर है, थोड़ा न्यूट्रल है, इसमें मैं जो कलर चाहूं स्टेन कर सकता हूं. याद रखिएगा ये स्टेनर है, सो जितनी मतलब आप क्लिक करेंगे वो स्टेन इसके ऊपर चलाता रहेगा. बिल्कुल वैसे जैसे टेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, टेंट्स क्या होते हैं किसी भी कलर के लाइटर टोन्स, तो ये एक तरह से टेंट कर रहा है. सो आप जो भी कलर लें वो आप यहां पर पूरी रेंज में आप क्लिक कर दें और ये उसमें वो कलर फिल करता जाएगा. देखें आपका वो ग्रेडियंट मौजूद है, ग्रेडियंट खत्म नहीं हुआ है राइट. एंड लेट्स ऐड सम मोर कलर्स. ठीक है, सो यस ये है तो थोड़ी सी काम की चीज, मजेदार सी चीज है. एंड देन फाइनली आपके पास आ रहा है सिंबल स्क्रीनर. स्क्रीनर ये करेगा कि कुछ जहां पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहेंगे तो वो देखें ट्रांसपेरेंट करते करते गायब हो जाते हैं. ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूं तो क्या होगा, वापस आने शुरू हो जाएंगे. जिस तरह साइजर में था, अगर आप ऑल्ट दबाते हैं तो उल्टा काम होता है. ठीक है ना, अगर स्टेनर पे आऊं और ऑल्ट दबा के क्लिक करूं तो वो स्टेन हटाएगा. सही है, सो याद रखिएगा स्टेनर भी या ऑल्ट जो है यहां पर हमेशा रिवर्स ला रहा होता है आपके चीजों को. ठीक है, ऑलराइट. देन आपके पास स्क्रीनर मैंने आपको बता दिया. स्टाइलर, अच्छा ये मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा. देखें स्टाइलर क्या है, आपने कुछ स्टाइल्स बनाए थे रिमेम्बर, हम लोगों ने जो वो वाली क्लास थी जिसमें मैं अपीयरेंस का पैनल, यहाँ ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, अपीयरेंस का पैनल की बात हमने की थी. और अपीयरेंस में आपके पास याद होगा कि ग्राफिक स्टाइल्स में हम स्टोर कर रहे थे. सो यहां से अगर आप कोई ग्राफिक स्टाइल सेलेक्ट कर लो, से ये टेक्सचर वाला है, सो अगर आप क्लिक करें तो वो स्टाइल्स भी इस पर अप्लाई हो जाएंगे. मैं रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है, अपने काम को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है. एनीवेज जिस तरह का आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक और बात ये है बहुत ज्यादा हैवी भी हो जाता है. तो आई होप कि यहां तक तो आप लोगों को ये सिंबल स्प्रेयर और सिंबल समझ में आ गए होंगे. एंड अब मजेदार सी चीज आप लोगों को एक और बतानी है कि यार इतना बोरिंग सा स्टार जो मैंने बनाया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि इन स्टार्स की जगह ये वाला फ्लावर आता तो ज्यादा अच्छा लगता. अब देखें ये एक अलग से सिंबल यहां पर बना हुआ है, इस सिंबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आए फ्लाई आउट बटन पे, और यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा रिप्लेस सिंबल. ठीक है जी, रिप्लेस सिंबल क्या करेगा आपका कि जो आपने ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है उसमें डेफिनेटली सिंबल्स हैं, और सिंबल की लाइब्रेरी में यहां से आपने ये फ्लावर वाला सेलेक्ट किया और रिप्लेस सिंबल पे जैसे ही क्लिक किया उसकी जान निकल गई.
ऑलराइट, अब ये देखें, ये जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्राफिक स्टाइल्स मत लगाइएगा, उसी की वजह से ये इतना हैवी हो रहा है और बहुत ही बुरा सा हो रहा है. सो लेट्स डू वन थिंग, मैं अंडू कर रहा हूं और थोड़ा सा ज्यादा अंडू कर रहा हूं, जिसमें मैं ये ग्राफिक स्टाइल्स भी रिमूव कर रहा हूं सारे. ठीक है जी, सो आई होप यहां तक तो स्टाइल्स रिमूव हो गए ना. अब देखें, मैं दोबारा से रिप्लेस कर रहा हूं, अब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. सो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और मैंने यहां पर आकर के रिप्लेस सिंबल किया. सी दिस, ये जल्दी हो गया. अब आप किसी भी तरह का सिंबल, अब देखें ये बिल्कुल ब्लैक है, अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस तो जरूर हो जाएगा लेकिन आपको कोई कलर नहीं दिखने वाला है. क्यों? क्योंकि जेट ब्लैक के ऊपर कोई स्टेन नहीं आता, ठीक है, या व्हाइट के ऊपर स्टेन नहीं आएगा. सो कोई न्यूट्रल कलर ले लें, सो वो ज्यादा बेहतर रहता है. लेट से मैं ये वाला सिंबल सेलेक्ट कर रहा हूं एंड रिप्लेस सिंबल. यार कसम से मेरा सिस्टम भी इतना स्लो हो रहा है, मुझे खुद हैरत हो रही है. एनीवेज, सो यस यार, ये थोड़ा सा हैवी है लेकिन है बहुत मजे का. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. सो चले हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट 3D. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिंबल्स पे इतना फोकस क्यों किए हुए था जब मैं 3D बना रहा था, तो आइए देखते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने जो ये देखा था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम 3D कन्वर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सा अगेन एक रेक्टेंगल ले रहा हूं और इसमें कोई सा भी कलर फिल कर लें हम. लेट्स से मैंने ये लाइट ब्लू ले लिया एंड इसको मैं कर रहा हूं जाके 3D. ठीक है जी, एक्सट्रूड एंड बेवल एंड प्रीव्यू. मैं यहां से इसकी एक्सट्रूड डेप्थ बढ़ा रहा हूं. ठीक है, लेट्स से 200. राइट नाउ, एक दो चीजें कई मरतबा स्टूडेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम फेस किया कि अगर हमने यहां पर एक बार 3D लगा दिया है तो क्या अब इसको एडिट करने के लिए हम दोबारा यहां पे जाके दोबारा लगाएंगे? नहीं लगाना, खुदा के वास्ते मत लगाना, प्लीज बिल्कुल मत लगाना. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये डबल 3D अप्लाई हो जाएगा और आपके सिस्टम की थोड़ी सी मौत हो जाएगी और बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ आप चूंकि हम इस पे 3D लगा चुके हैं और मुझे इसको एडिट करना है, तो यहां से जाएं एक्सट्रूड एंड बेवल, जो इसमें इसको सेलेक्ट रखिएगा और अपीयरेंस के पैनल में एक्सट्रूड एंड बेवल लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करें. ठीक है, नाउ प्रीव्यू ऑन करें और ये आपका पूरा 3D आ गया. अच्छा, अब ये देखें यहां पर आप वैल्यूज भी डाल सकते हैं. लेट्स से मैं इन सब पे 0 वैल्यू डाल रहा हूं तो आपको बिल्कुल फ्रंट दिख रहा है. अब मैं सिर्फ इसको एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा घुमाना चाह रहा हूं, सही है. सो यहां से आप आकर के एक्स एक्सिस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं. नाउ इससे थोड़ा सा ये होता है कि आपके पास कंट्रोल ज्यादा रहता है. ठीक है, एनीवेज इसके अलावा मैं यहां से थोड़ा सा यूं घुमा रहा हूं. ओके, यूं घुमा लें और इसको यूं कर. ठीक है जी, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं. ठीक है यार, यहीं से कर लो, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं. ठीक है, नाउ मोर ऑप्शंस पे जाके मैं थोड़ा सा लाइट्स को एडजस्ट कर रहा हूं. एक लाइट यहां मैंने लगा दी, एक लाइट मैंने यहां लगा दी और इसकी लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूं. ठीक है, बल्कि ऊपर की तरफ लगाते हैं. दैट्स इट. नाउ मैं ये चाह रहा हूं कि इसके ऊपर कोई आर्टवर्क लगा हुआ. अब ये आई ना मजे की बात. ठीक है, सो चले पहले तो मैं कुछ आर्टवर्क बना लेता हूं. लेट्स जल्दी से कुछ मेक करते हैं एंड कुछ अच्छा सा मेक करते हैं. राइट, मैंने एक सिंपल सा बॉक्स बनाया. आई नो बहुत बोरिंग सी चीज है बट यस है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को या इस डिजाइन को मैं सिंपली ड्रैग करके सिंबल्स में ड्रॉप कर रहा हूं. ठीक है, और कुछ भी नाम दे दो, लोगो मैंने नाम दे दिया इसका. ठीक, ऑलराइट, अब ये मैं इस बॉक्स पे यहां पर लगाना चाह रहा हूं, यहां पर लगाना चाह रहा हूं, यहां पर लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि तीन साइड्स मुझे दिख रही हैं तो तीनों साइड्स पे हम लगाते हैं. सो लेट्स डू वन थिंग, इसको सेलेक्ट रखें और यहां से एक्सट्रूड एंड बेवल पे जाएं, अपीयरेंस के पैनल में प्रीव्यू ऑन करें
एंड यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैप आर्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक अलग से विंडो मिलेगी और यहां पर आपको कुछ शेप दिख रहा है। अच्छा, जैसे ही ये शेप आपको दिखेगा, इस वक्त यहां पर आपको एक आउटलाइन दिख रही होगी रेड कलर की, और ये आउटलाइन आपको बता रही होगी कि ये कौन सी साइड है। और यहां देखें ऊपर आपको वन ऑफ सिक्स साइड्स दिख रहा है, मतलब छह साइड्स होती हैं एक क्यूब की। अगर आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको अब ये देखें ये डार्क दिख रहा है, ये पीछे है, सही है, एंड देन ये भी पीछे है, ये डार्क दिख रहा है, राइट, और ये नीचे है, ये मेरे सामने है। सो देखें जो चीज आपके सामने है, जो आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पर लाइट कलर में दिख रही होंगी, और जो चीज आपको नहीं दिख रही ये ऑटोमेटिकली आपको डार्क कलर में शो कर रहा होगा, राइट। सो यस, मुझे इस साइड पर यानी ये वाली साइड पर वो वाला सिंबल लगाना है। देखें यहाँ ऊपर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है जिसमें सिंबल्स आ रहे हैं। मैंने यहां से ये अपना लोगो जो भी था वो मैंने सेलेक्ट किया और देखें ये यहां पर आ गया। अब अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं या कहीं मूव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एक साइड पर एक ही सिंबल आता है, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल सिंबल्स इसमें डाल दें, ठीक है जी। सो यस, इसको मैंने बड़ा किया थोड़ा सा और मैं यहां लगा रहा हूं, राइट। नाउ मुझे अब इस साइड पर और इस साइड पर भी चाहिए, सो जल्दी से मैं इन साइड्स पर आता हूं। सो ये वाली साइड आ गई, इस पर मैंने ये सेलेक्ट किया और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। प्लीज शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा कीजिएगा, ठीक है, और ऊपर भी मुझे यही लगाना है। तो ये रहा ऊपर वाली साइड, ये मैंने अपना लोगो सेलेक्ट किया एंड आई थिंक इसमें मैं बड़ा कर देता हूँ। सो हाँ, यूं भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लगा दें। जरूरी नहीं कि आप पूरा इसके बीच में ही आ रहा हो, आप बाहर भी निकाल सकते हैं। सो जितना क्लिप हो रहा होगा उतना बाकी कट जाएगा, बाकी खाली आपको दिख रहा होगा डिजाइन, सही है। सो यस, ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूं भी कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ दैट्स इट। अगर मैं इसको ओके कर देता हूं तो ये आपके पास सिंबल यहां पर लगे हुए आ गए हैं, ठीक है। एंड मजे की बात ये है कि आप इसको अभी भी अपना रोटेट वगैरह करके देख सकते हो। सो आई बिलीव यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। नेक्स्ट इसी में एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप गौर से देखें कि मैंने यहां पर लगाया, ठीक है, इस पर लाइट ज्यादा थी, सही है, लाइट दिख रहा है, यहां पर और यहां पर इतनी रोशनी नहीं है जितना ये सिंबल मेरा ब्राइट दिख रहा है। सो वापस मैप आर्ट पर आए और यहां देखें आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है शेड आर्टवर्क और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्लोअर। तो अगर आपके सिस्टम थोड़ा सा स्लो होने लगे तो यार परवाह नहीं करना, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा देख लेना कि कितना हद तक आपका सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल ये बहुत सिंपल सा इस वक्त ज्योमेट्री है इसकी, सो इट्स ऑल गुड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बस इसको आप ओके कर दें। अब आप अगर आपको लग रहा है कि जी डार्क हो रहा है तो अपनी लाइट्स को एडजस्ट करें, ठीक है जी। ये देखें मैंने इसको लाइट को थोड़ा सा यहां रख दिया तो ये ब्राइट हो गया है, ये डार्क है, ठीक। आप चाहें तो डिफरेंट कलर के सिंबल्स बना लें, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बना दें ऊपर नीचे डिफरेंट, अगर आपको कलर्स में लगाना है डिफरेंट बना के, जितने आप सिंबल्स में डालेंगे उतनी जितनी साइड्स हैं आपकी आप हर एक पर एक अलग सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा, बहुत सादा सा काम, एंड बट यस, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आप लोग अपने ऑब्जेक्ट में चीजें डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था आपके पास एक्सट्रूड के साथ या नीचे बेवल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा जब आप बेवल लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि ये इसकी फेस चेंज हो जाता है। और देखिए अब आपके पास अगर आप मैप आर्ट में जाएंगे तो छह से ज्यादा चीजें आ रही हैं, 14 आ रही हैं। सो फिर आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला अब यहां से हटाना है तो मैं यहां से क्लियर करूंगा और मुझे इस पर लगाना है और ये साइड, सॉरी, ये इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, ये वाली साइड है, मुझे इस पर लगाना है। तो ये ले, यहां लगा दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मेक समथिंग एल्स, कुछ और बनाते हैं। वो रोटेट वाला मुझे पता है सबको बहुत ज्यादा सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब हर कोई रोटेट वाली चीज, रिवॉल्व वाली चीजें बना रहा था। लेट्स मेक अ बॉटल।
सही है। और मैं बहुत सिंपल सी बॉटल बना रहा हूँ इस वक्त, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज बना रहा हूँ। और यूजली सबको एक प्रॉब्लम होता है कि एक साइड से हम बना रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बनने वाला है, तो आपको मसला नहीं है, पूरी बॉटल बना लें, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बॉटल बना रहा हूँ, और ये आपकी इस बॉटल का समझ लें कैप, ठीक है जी। और इस कैप के अंदर भी थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट बना, आई नो बहुत अजीब सी चीज लग रही है, बहुत ज्यादा मैंने अलाइन कर दिया इनको, और इन सबको ओपन पाथ फाइंडर मर्ज कर दिया। सो दिस इज द कैप, ठीक है। और बॉटल कैसी होगी, ठीक है, ये मेरी बॉटल होनी है। और अब चूंकि देखिए मैंने आप लोगों से हमेशा यही कहा है कि आप जैसे जब 3D बनाते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब आप 3D बनाते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाइएगा। दूसरी बात, मैं इस सब को मर्ज कर रहा हूं लाइक दिस, एंड मैं ये चाह रहा हूं कि इसको मैं रिवॉल्व करूं। सो अब अगर इसको मैं रिवॉल्व करूंगा तो बहुत अजीब सी चीज आपके सामने आएगी। सी दिस प्रीव्यू, देखें एक अजीब सा जार नुमा चीज बन गई है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, एंड लेट्स हैव सम कलर, एंड मैं ये स्ट्रोक हटा रहा हूं इसका, और मैं सिंपली जाकर इसको 3D रिवॉल्व कर रहा हूं। सी दिस, एक अजीब जार नुमा चीज बन गई। मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, मुझे जैसी वो मैंने बॉटल बनाई थी वो 3D में चाहिए थी। सो याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक साइड उसकी बतानी है, दूसरी साइड नहीं बतानी है। बारह हमने बनाई तो यूं ही है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये कि यहाँ बीच में एक लाइन डालें, और यहाँ मैंने लाइन टू से ही लाइन बनाई है, इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर लें पहले, तो जरूरी है ये, बहुत जरूरी है, ठीक है। अलाइन करके आप यहाँ से पाथफाइंडर से आके डिवाइड कर दें। अगर पाथफाइंडर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पर फिर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, पाथफाइंडर देख लीजिएगा, राइट। ऑलराइट, सो इसको आप अनग्रुप करेंगे और इसका एक साइड रिमूव कर दें। अच्छा ये याद रखिएगा, देखिए मैं हमेशा राइट साइड वाला रख रहा होता हूँ, सही है। और राइट साइड वाला हमने ऑब्जेक्ट रखा, और इफेक्ट में जाके 3D रिवॉल्व एंड प्रीव्यू ऑन करें। अब ये बन गई हमारी वही बॉटल जो हम बनाना चाह रहे थे, राइट। एंड लेट्स एड सम प्रॉपर लाइट्स, जबरदस्त, ठीक है जी। और ब्लेंड स्टेप्स में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं, से 46 कर दिए। नाउ याद रखिएगा यार, ये हैवी है तो कई मरतबा ऐसा होगा कि आप लोगों को सिस्टम स्लो लगेगा, बट यार थोड़ा सा स्लो हाथ रखिएगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर धमाके मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा ज्योमेट्री जो लाइक मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, देखिए मैं अगर इसका ये 3D रिवॉल्व हटा दूं थोड़ी देर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास कितने एंकर पॉइंट्स हैं, जितने ज्यादा एंकर पॉइंट्स होंगे उतना ये हैवी होगा, सही है। और एक और चीज बता दूं कि अगर आप जैसे सिंबल्स लगाना चाह रहे हैं, सही है, सो यहां से यहां तक जो ये एक एंकर पॉइंट आ रहे हैं, ये एक फेज होगा मेरे पास, ये पूरी जगह पे मैं लेबल लगा सकता हूं उसके ऊपर, राइट। फिर ठीक इसी तरह से ये जो कैप है इसका मैं कलर डिफरेंट रख सकता हूं, किस तरह से होगा वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। नाउ लेट्स अगेन, मैं इसका 3D ये ऑन कर रहा हूं, और कलर्स देते हैं, सही। अच्छा अब कलर्स अगर मैं यहां से आके कलर दूं तो ये पूरी की पूरी बॉटल का एक ही कलर कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इसके कैप का कलर अलग हो, बॉटल का कलर अलग हो, ठीक है। और बॉटल का कलर मैं चाह रहा हूं कुछ डीप ब्लू सा हो, बहुत ही मजेदार सा, कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन कैप का कलर अलग हो। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि देखें जैसे मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट का कलर ये ब्लू रख दिया है, ठीक है। और लेट्स मैं थोड़ा सा कलर और चेंज करना चाहूंगा यार, आई थिंक सॉरी, सेलेक्ट रखें और नहीं, HSB और शो ऑप्शंस, कलर थोड़ी सी सैचुरेशन, थोड़ा सा लाइट और नाइट,
यस परफेक्ट। सो अब देखिए मैंने बॉटल का कलर यही रखना था लेकिन कैप का कलर चेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले एक काम करें, कैप का कलर क्या रखना है, मुझे गोल्डन रखना है, वाओ ठीक है। समझ लें परफ्यूम की बॉटल, ठीक है। और गोल्डन कलर के लिए मैं सिंपली ये एक इस तरह का मस्टर्ड सा कलर ले रहा हूं, वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स को उठा करके आप डाल दें सिंबल में, ठीक है। एंड गोल्ड कुछ भी नाम दे दो, नाम ना भी दो तब भी चलेगा, ठीक है। ऑलराइट मैं यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको सेलेक्ट रखें, 3D रिवॉल्व में जाएं, यहां से अपीयरेंस के पैनल में प्रीव्यू ऑन करें, मैप आर्ट पे जाएं। अब देखें आपको ये क्या साइड दिखा रहा है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपको देखना कि कौन कौन सी साइड्स हैं। तो देखें जब ये आ रहा था तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये शायद नीचे वाला कहीं का ऑब्जेक्ट है, एंड आई डोंट नो ये सारे नीचे के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑलराइट ये आया अब हमारे ऊपर के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। यस सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट। अब देखें यहां पर अगर आप देखें तो ये आपको एक वेव नुमा चीज दिख रही है। सो ये वेव क्या है, वो पार्ट है व्हाइट वाला जो आपके सामने है, ठीक है। जो डार्क वाला है वो आपके सामने नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये मैंने गोल्ड वाला लिया और देखिए मैं जहां पर रख रहा हूँ ये उस लिहाज से यहां पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इसको यहां रख के हिला दिया। अब ये पूरे पर चाहे मुझे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो उस पूरे पर ये आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट आई डोंट नो ये कौन सा पार्ट है मुझे नहीं पता, रख के देख लो। सो नहीं ये वाला नहीं है, मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट ओके ये दिख रहा है, मैं ये ले लें, यस ये ऊपर टॉप है। और देखिए मैं इनके जो फेज आ रहा है उससे बड़े ले रहा हूं, डोंट वरी ये जो लाइंस आ रही हैं ये अभी सब सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट नेक्स्ट नीचे वाला पार्ट नहीं नहीं नहीं, यस इस पे लगाना है हमने, ऑलराइट नेक्स्ट ये ऊपर का छोटा सा रिंग है, ये भी मुझे गोल्डन चाहिए। नेक्स्ट यस ये है इसका नेक, जबरदस्त। नाउ शेड आर्टवर्क में कर रहा हूं और ये जो हल्की फुल्की जो आपको अजीब सी चीजें दिख रही होती है, मैं इसको जरा ओके कर दूं आपको दिखाऊं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें थोड़ी सी यहाँ लाइंस अगर आप देखें इस तरह की बहुत हल्की हल्की सी लाइंस आ रही होती हैं। सो एक बड़ी सिंपल सी टिप ये है कि आप इसमें यहाँ मैप आर्ट के अंदर ही आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है इनविजिबल ज्योमेट्री, इसको ऑन कर दें तो थोड़ा सा ये आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, जैसे ही आप ये इनविजिबल ज्योमेट्री करेंगे आपकी जो बॉटल है वो भी गायब हो जाएगी, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो इटसेल्फ खुद गायब हो जाता है, सही है। लेकिन आपके जो जो आप सिंबल्स अप्लाई कर रहे हैं वो रहेंगे, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि जो अंदर की जो शेड्स दिख रहे होते हैं वो हट जाते हैं, सही है। नाउ अब मसला ये आ गया कि हमारी जो बॉटल है वो भी गायब हो गई है, तो कोई मसला नहीं है, मैं एक बॉक्स बना देता हूं, ये हमारी बॉटल होगी, ठीक है जी, ब्लू बॉटल, राइट। इसको सेलेक्ट रखें, 3D रिवॉल्व, यहाँ प्रीव्यू पे जाएं, मैप आर्ट पे जाएं, और अब बॉटल जो है हमारे उसके पार्ट्स पर हमें ये अप्लाई करना है। सो यस ये वाला पार्ट है, इसमें हमें ब्लू लगाना है, नेक्स्ट ये वक्ती तौर पर मैं ये वाला भी सिंबल लगा रहा हूं, यहां पर हम कोई लेबल लगाएंगे बट पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। आई थिंक सारे हो गए, यस जबरदस्त। अच्छा अब मैं ये चाह रहा था कि ये जो गोल्डन कलर आ रहा है ये बड़ा डल सा लग रहा है कलर, ये मजेदार सा नहीं लग रहा, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो कुछ भी नहीं मसला, आप जाके इस सिंबल पे डबल क्लिक करें और इसका कलर चेंज कर लें। सो मैं इसमें थोड़ा सा रेड ऐड करना चाह रहा हूं और थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस, रेड ज्यादा हो गया थोड़ा कम करें या यहां से ले लें,
के लिए थोड़ा सा ब्राइट सा येलो ले लिया मैंने, राइट। यहां से वापस आ जाएंगे आप, ये देखें ये छोटा सा एग्जिट सिंबल का एक एरो बना हुआ आ रहा होगा, सही है। इस पे क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएंगे। एंड अब देखें ये अपडेट नहीं हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करें, मैप पार्ट पे जाएं, प्रीव्यू ऑन करें, अब ये अपडेट हो गया, ठीक है। इसको ओके कर दें, जबरदस्त। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे यहां पे एक लेबल लगाना है, ठीक है, और लेबल लगाने में प्रॉब्लम यह है कि मैं ऑलरेडी यहां पर एक सिंबल यूज कर चुका हूं, तो दूसरा सिंबल कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे दूसरा सिंबल। हम क्या करेंगे, हम लेबल अपना वैसा ही डिजाइन करेंगे जैसा हमें दिखाना है। सो मैप आर्ट में मैं गया, सॉरी सेलेक्ट रखिएगा, मैंने सेलेक्ट नहीं रखा होता इसलिए मैप आर्ट नहीं खुल रहा था। नाउ कौन सा वाला जगह पर हमें लगाना है, यहाँ पे ये 4 of 9 वाला जो है इसको याद रखिएगा, हमें इस पे लगाना है। एंड लेट्स सी, अगर तो सिंबल हमें, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, बस अगेन मैं अंदाजे से ही बना रहा हूं, ठीक है। और लेट्स से मुझे इस पर यही आर्टवर्क लगाना है, तो मैं इसको सिंबल के तौर पर नहीं लाऊंगा, मैं सिंपली इसको सिंबल के अंदर जाके कॉपी करके वापस आ रहा हूं और इस पर मैं ये लगा रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको ग्रुप कर दे ताकि सिलेक्शन में मसला ना हो, तो सेलेक्ट करके और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक। सेलेक्ट रखें और नाम डालें, राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं ये पोर होम क्यों है, ये पोर होम नहीं पढ़ते, इसको पोर आर्मी पढ़ते हैं, फ्रेंच वर्ड है, पोर आर्मी मींस फॉर मेन। अब चूंकि मेरी बॉटल जो है वो कहीं से लेडीज परफ्यूम वाली तो नहीं लग रही, सो बस इसीलिए पोर आर्मी लिख दिया मैंने, ठीक है। पोर आर्मी फ्रेंच आती नहीं है, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ सीखने की, राइट। So, अब ये पूरा जो लेबल मेरा बन गया, मैं इसको सिंपली उठा करके अपने सिंबल्स में डाल रहा हूं और नाम दे दें इसका लेबल, इसको डिलीट करें एंड मैप आर्ट 4 of 9 था, राइट। इसको मुझे हटाना है यहां से, क्लियर कर दें एंड अब ये उठाकर ले आए, इसको थोड़ा बड़ा करें, ना देखें। अब मैं अगर इसको यूं सेंटर में रख रहा हूं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे थोड़ा इसको यहां रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। देखें अब ये पार्ट मैंने कवर नहीं किया है जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो खाली दिख रहा होगा, ठीक है। सो फिर उसके लिए ऐसे ये करना होगा कि आपने थोड़ा सा देखभाल कर अपना इसको सबको एडजस्ट करिएगा, मतलब ये अपना लोगो थोड़ा सा साइड में लगा दीजिएगा, हो जाएगा। आई होप इतना तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहां से ओके कर रहा हूं और यहां से भी ओके कर रहा हूं एंड दैट्स इट। आई बिलीव ये बहुत मजेदार सी चीज आप लोग के लिए रही होगी, अब हम 3D में एक स्टेप आगे चल पड़े हैं। अच्छा जी, 3D में कुछ और बकाया चीजें हैं अगर, सो वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए यहां पर एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि लाइट इंटेंसिटी ये आप लोग यूज कर चुके हैं। एम्बियंट लाइट क्या होती है, एनवायरनमेंट में रोशनी, एनवायरनमेंट में कितनी रोशनी है। सो अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो लाइट्स आपको दिखेगी ओवरऑल बहुत ज्यादा दिख रही होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको बहुत कम कर दूं तो सिर्फ आपकी उन चीजों पर ज्यादा लाइट आ रही होगी जहां पर आपने ये लाइट्स यूज की है। सो अगर आप मेटालिक सा लुक देना चाह रहे हैं लाइक दिस, तो ये एम्बियंट लाइट कम कर देंगे, ठीक है ना। मैं एक और लाइट लगा रहा हूं और इसको ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। प्लस देखें यहां पर ये लाइट आ रही है, मुझे यहां नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं ये लाइट हमारी इस बॉटल के पीछे से आ रही हो,
सो यहां पर ये छोटा सा बटन दिया हुआ आपके पास, ये रहा मूव सिलेक्टेड लाइट टू बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है आप ये क्लिक कर दें, सही है यार। सो याद रखिएगा कि देखिए मैं इसका मेटालिक लुक लाने के लिए मैंने अपनी ओवरऑल एम्बियंट लाइट को कम किया है, अगर ये एम्बियंट लाइट मैं बढ़ा दूंगा तो ये प्लास्टिक लगने लगेगा जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सही है। सो ये देख लीजिएगा कि एम्बियंट लाइट आप कितनी रखना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से आपको मेटालिक फील या जिस तरह का फील आपको चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर 3D। अच्छा एक छोटी सी चीज यार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे ग्रुप पर आप लोग आते हैं काम सबमिट करते हैं, आई लव दैट, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अब से मैं एक छोटा सा रूल और चेंज कर रहा हूं, मैंने कुछ रूल्स वहां पे डिफाइन किए हैं रिटर्न में, एक रूल और मैं बता रहा हूं। अब आप लोगों ने ये बॉटल सीखी है, आप बना लें प्रैक्टिस कर लें, वहां अपलोड नहीं करेंगे, वहां पे आप लोग क्या अपलोड करेंगे उसका मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। सो आप लोगों का पहला असाइनमेंट, आपने एक बॉटल बनानी है किसी कोल्ड ड्रिंक की, लाइक कोका कोला, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, सेवन अप, फैंटा, व्हाटएवर, जो बॉटल आपने बनानी है बनाए विद लेबल, ठीक है। उसके अंदर ड्रिंक आप भरे ना भरे ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे बॉटल एक्यूरेट डिजाइन में चाहिए। आई बिलीव कोक वाली बॉटल अगर देखें तो बहुत मजेदार सी है, उसका शेप बहुत इंटरेस्टिंग सा है, कोक की जो ग्लास वाली बॉटल है, ठीक है। सो यस ये बनाए, आप अपनी प्रैक्टिस करें, बना के अपने पास रखें, मुझे मत दिखाना, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, लेकिन वहां ग्रुप में डालने के लिए आप कोक की बॉटल बना रहे हैं, परफेक्ट राइट। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कराओ यार, और शेयर करो यार दोस्तों के साथ, बहुत कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ आई बिलीव, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की बहुत दुआएं मिल रही है मुझे पूरी उम्मीद है यार कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता इससे। थैंक यू।